मेरे हाथों की तरह आज ना बॉम्बे में एक्चुअली सब कुछ बंद होता है वीकेंड्स पे. आई वेंट फॉर सम शॉपिंग बट देन वो नहीं हुआ तो आई वेंट टू अ बुक स्टोर एंड आई बॉट सम किक एस बुक्स. एंड पता है जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हो ना, लाइक आई एम नाउ गेटिंग इन टू रीडिंग पेंटिंग्स एंड इंटरप्रेटिंग दैम, आई गॉट सम रियली नाइस बुक्स. आई एम गोना शेयर विद यू व्हाट आई गॉट. बैकग्राउंड तो कुछ गाने बजते हैं ना. Can I show you this book? Now this book is of 10,000 bucks, but so worth it. Ta-da! So worth it. So there are 100 masterpieces paintings from the world, and uski kahani hai, uski piche ki kahani hai. And the reason I'm trying to read it is because इट हेल्प्स मेजरली. जितनी भी एक्टिंग क्लासेस मैंने की हैं, वर्कशॉप्स मैंने की हैं ना, वहाँ पे दे एक्चुअली देर इज एन एक्सरसाइज, देर इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. जहाँ पे दे आस्क यू क्रिटिक इंटरप्रेट अ पेंटिंग एंड उस पेंटिंग की पूरी कहानी, उस कल्चर की पूरी कहानी, उस कंट्री की कहानी, उस जमाने के राजा रानियाँ, उनके जो नुआंसेस होते थे, जो उनके एक तरह से, फॉर एग्जाम्पल सो मैनी तरह, देर इज अ फोटोग्राफ ऑफ टू वुमेन जहाँ पे दोनों बहने हैं एंड वन सिस्टर इज होल्डिंग अदर सिस्टर्स निपल. ओके एंड द मोस्ट फेमस तो पेंटिंग्स को रीड करना एंड देन आई मीन इट हम्बल्स मी सो मच कि यार इतना कुछ है जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं होता. यू नो वी जस्ट नो द नेम ऑफ द पेंटर्स एंड उसके बारे में ऊपर ऊपर जानकारी, ऊपर ऊपर हिस्ट्री और कल्चर का अवेयरनेस, प्लस सारी चीज़ें अब इंटरनेट पे मिल जाती है ना, तो उसका चार्म मुझे लगता है कहने का ख़त्म हो जाता है, वो बात नहीं रहती. यू कैन नॉट बिकम अ वेरी नॉलेजेबल एंड रिनाउंड पर्सन व्हेन एवरीथिंग इज सो ईजी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेनिंग इट ऑनलाइन. नो सो आई एम गोना शो यू समथिंग एल्स आल्सो, अनदर पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन द एक्टिंग प्रोसेस इज दिस वन. So this one is a diary. Can you believe it? This one is for like 1,000 bucks, but this is a 3-year journal for couples. गलती हुई यार. मुझे लगा ये मेरे लिए है. आई थॉट ये मेरा जर्नल है. इसमें पता है ऐसी ऐसी चीजें दी हुई है ना कि अगर आपके पास से अबाउट 10 million rupees होते, 10 million dollars होते, तो आप उसको किस तरीके से स्पेंड करोगे एंड वॉट ऑल विल यू बाय और वेर ऑल विल यू गो विथ द एग्जैक्ट प्राइस उस चीज़ का. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू टर्की, आई शुड नो कि यहाँ से टर्की जाने का टिकट कितना कॉस्ट करेगा, टर्की में कौन सा पैलेस या होटल है जहाँ पर मैं रहना चाहूँगी. सो एक ओवरऑल बजटिंग फॉर द ड्रीम्स दैट यू वॉन्ट टू डू इज दिस वन. This is a very good diary. So इसमें चीज़ें दी हुई हैं लाइक what when was the last time you turned a negative into a positive? What is your current favorite quote from a film? So this is a good one. And I got one more book. I got two more books actually.
gift for my brother Pranjal. Or you know, this is from a very famous photographer, Fionn Reilly. Fionn Reilly captures India and other countries from his own eyes. And होता क्या है ना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम आसपास की ब्यूटी को इतना ध्यान नहीं देते. आप कवर देखो इसका. सो दिस इज बेसिकली एन इंस्पिरेशन फॉर फोटोग्राफर्स. एंड ये मैंने लिया है अपने भाई के लिए. ही इज अ फोटोग्राफर एंड अ सिनेमाटोग्राफर एंड आई थिंक ही वाज अ गिफ्टेड वन. ही स्टिल इज. आई वांट हिम टू जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स एंड सी. सो नाइस. हाई. एंड द लास्ट माय फेवरेट हॉलीवुड एक्टर हु इज वेरी वेरी विटी एंड स्मार्ट एंड speaks very differently than other actors is this guy. His book is Green Lights. This one is expensive, 800 rupees, but it's nice. Get these books if you like, because these are the good ones, and especially the diary actually, because kya hai, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, नेगेटिव हम हो जाते हैं आगे की प्लानिंग करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए. पता है मुझे से पता है क्या क्या आई रियलाइज वन थिंग वेरी नाइसली एंड दैट इज कि जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ ना, तब फिर भी मैं थोड़ा सा वैसा साउंड कर लेती हूँ कि हाँ यार चलो ये लड़की है, इसको पता है चीज़ें थोड़ी बहुत. लेकिन जब मैं लिखती हूँ ना, आई राइट लाइक अ 10-year-old यार. अपने खुद की डायरी पढ़ के लगता है कि ऐसे किसी बच्चे ने लिखी है. यू नो, बच्चों में सी विशेज होती हैं, बच्चों में सी बातें होती हैं, बड़ा मज़ा आता है. So I write those things. I mean, I think that's what keeps your child alive in you, है ना? चलो मेरी जान, मैं जाती हूँ अभी, मुझे गाने गाने. Hi darling. Guys are so limited na sometimes. All you talk about surgery, boobs, size 42. Fuck you, like fuck you, grow up. Life is bigger than the boobs. Right now I'm not even showing my boobs. I love showing it to you, but I don't want to right now. Grow up darling, grow a penis of the size of a man or the mind maybe. Kisi kaam ke to right, call karo mujhko. Mausam ka asar hai, main samajhti hu. ब्रा नहीं पहनी क्या? हाय मेरी जान. आपको समझ में आ रहा है देश की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? Do you understand why India as a country is not growing and why women are still in the same position where they are and why a lot of women are not becoming bolder, nicer and themselves because of you assholes, some of you. बिकनी में लाइव आओ, शो समथिंग. मुझे लगता है पता कई बार ना, या तो आपके कान नहीं है, या आपको समझ में नहीं आता है, या प्रोसेस नहीं कर पाते हो कि बोला क्या जा रहा है. ग्रो बियॉन्ड योर सेल्फ डार्लिंग, कम ऑन. इट्स नॉट एवरीथिंग इज अबाउट एजुकेशन ऑल्सो. पढ़ाई लिखाई से भी लेना देना नहीं है. आई डोंट रियली नो व्हाट इज इट अबाउट एक्चुअली. ये अच्छी साइकोलॉजी है, कमा लो. शाम एंड ग्लो आर द ओनली थिंग रिक्वायर्ड. अबाउट व्हाट? बिकॉज ऑफ यू वी आर लूजिंग स्पर्म. For you, you're losing sperm for me. Go sell it if it is of some use. Guess not. I feel sorry for you. Anyway, I love you. I'm lying. I don't. You know what? Can I tell you a secret? I love myself. I love myself to the point where I'm not even afraid to lose you, darling. If you fuck with me, I'll fuck you over. And look at this. You are still here. You came to me. I didn't. So there's the point. मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है यार आज. डेट पे जाओ यार, यहाँ क्या कर रहे हो? 5,000 लोग, सबकी जिंदगी ऐसी है क्या? डेट पर जाओ, लोगों से मिलो, जरा सेट वेट करो कुछ सीन. कुछ अच्छी बातें करी है, इतनी सारी अच्छी बातें तो करी है. यू आर सो मैच्योर. आई एम वेरी मैच्योर. आई एम मैच्योर माई माई इयर्स.
है ना, फिजिकली मेंटली इमोशनली। हाउएवर यस डार्लिंग, यस अभी आई वुड टेक दैट। ओह श्रेयश, काम करना होता है तो लाइफ में क्या कर रहे हो यहाँ पे मेरे से बातें करने से? अच्छा है कोई रियल इंसान से मिलो ना जाके, शाम को तो सब कुछ चिल करना चाहिए ना, शाम को 7 बज रहा है। Have a good life. Think towards that too. You're young, you're beautiful, you're handsome. अभी नहीं तो कब करोगे? ये जो आइडिया है ना 40 के बाद रिलैक्स करूंगा, लग जाती है बेटा। बच्चे हो जाते हैं ना जब, और बीवी हो जाती है, वाइफ, हस्बैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी, फैमिली, लोन्स, रेंट्स, डैम, यू विल बी इन अ बैड शेप। राइट नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन जस्ट लिव योर लाइफ, ट्रस्ट मी।